कॉन्स्टिट्यूएंसी के बाहुबली माने जाते तो आप क्या मतलब आपका उसका? ये लफ्ज इस्तेमाल मत करिए हमारे बारे में, आप लगातार यहाँ से। हाँ तो आप ये बोलिए, लोकप्रिय बोलिए। नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि लिबास देखकर पहचाने, उनका भाषण है तो लिबास से नफरत है, मेरी दाढ़ी से नफरत है, टोपी से नफरत है, हिजाब से नफरत है, मेरे खाने से नफरत है, तो आपको मेरी वजूद से नफरत है। मगर हैदराबाद की आवाम नफरत को कामयाब नहीं करेगी, मोहब्बत को कामयाब करेगी। और जो लोग हमारी दाढ़ी के, हमारी टोपी के, हमारे हिजाब के, हमारी शनाख्त के, हमारे वजूद के खिलाफ है, जमहूरी तरीके से उनको एक बदतरीन शिकस्त देगी इंशाअल्लाह ताला। कौन क्या मतलब आपका उसका? नहीं, उसका मतलब क्या है वो बोलो आप। आप लगातार यहाँ से जीत। हाँ तो आप ये बोलिए, लोकप्रिय बोलिए। हाँ आप बोलिए, लोगों को हम लोग आवाम हमारे पसंद करती है हमारे का। ये लफ्ज इस्तेमाल मत करिए हमारे बारे में। हाँ थैंक यू। आप अपोजिशन किसको मानते हैं सर, आपके खिलाफ जो यहाँ? देखिए इलेक्शन जब आप लड़ते हैं तो आपके खिलाफ जो भी कैंडिडेट रहता है आप उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ते हैं और आपको जीतना है, तो जितने भी मद्दे मुकाबले आएंगे हम उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे। अब जाहिर है मैदान में बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, बीआरएस भी है, दीगर और छोटी बीजेपी और ये सब लोग आ जाएंगे। तो हैदराबाद की आवाम ने हमेशा से यूनाइटेड तरीके से मुत्तहदा तौर पर मजलिस को कामयाब किया है और इंशाल्लाह आपके बार मजलिस को कामयाब करेंगे। और जैसा कि अभी आपने सवाल किया था कि हम आवाम से अपील कर रहे हैदराबाद की कि CAA कानून के खिलाफ आप वोट दीजिए, महंगाई के खिलाफ आप वोट दीजिए, नौजवान जो बेरोजगारी उसका मुकद्दर बन गया, उनके रोजगार नहीं मिला उसके खिलाफ वोट दीजिए, चीन हमारी जमीन पर कब्जा करके बैठा हुआ है उसके खिलाफ आप वोट दीजिए, तो ये मुद्दे रहेंगे।